हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार, हमने ईसीजी खत्म किया था लास्ट वीडियो में, और अब एक नया टॉपिक है जो ईसीजी के जस्ट आगे गिवन है आपकी एनसीईआरटीज में, एंड दैट इज डबल सर्कुलेशन। वैसे तो यार डबल सर्कुलेशन हम 10th में भी पढ़ते हैं, जहां पे भी स्टडी दैट हमारा ह्यूमन हार्ट इतना स्पेशलाइज्ड है कि मिक्सिंग ही नहीं होती ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, क्योंकि 4 चेंबर्स है, ठीक है। और अभी हमने इस चैप्टर में भी सर्कुलेटरी पाथवेज में ये चीज पढ़ी है दैट कितनी पैटर्न से ह्यूमन हार्ट में या फिर कुछ एनिमल्स के हार्ट में ये पैसेज आसानी से चलता है और प्रिवेंट करता है मिक्सिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब उससे फायदा क्या होता है कि हमारी बॉडी की एफिशिएंसी मेंटेन रहती है, हमें हर टाइम एनर्जी की नीड है। राइट नाउ आई एम स्पीकिंग, मुझे तो एनर्जी चाहिए। मुझे तो एनर्जी कहाँ से आएगी? ऑक्सीजन और फूड के रिएक्शन से, जिसके लिए हमें ऑक्सीजन की नीड है। ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? ब्लड लेकर आ रहा है ऑक्सीजन को, ठीक है जी। अगर मिक्सिंग हो जाती है तो ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाएगा, तो हमें ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा? मिलेगा ही नहीं। तो दैट इज वाई ये वाली सर्कुलेशन जो डबल रहती है, ये हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो आइए एक बार डिटेल पढ़ते हैं कि इस क्लास में, इस चैप्टर में क्या गिवन है इसके बारे में। एज मेंशन्ड अर्लियर, द ब्लड पंप्ड बाय द राइट वेंट्रिकल्स एंटर्स द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है जी। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इस पे आ रही है वीना कावा, इस पे आ रही है पल्मोनरी वेन, इससे जा रही है पल्मोनरी आर्टरी, और इससे जा रही है एओर्टा। ये तो आपको बाय हार्ट याद हो जाना चाहिए सब, ठीक है। नाउ एज मेंशन्ड अर्लियर, द ब्लड पंप्ड बाय द राइट वेंट्रिकल एंटर्स द पल्मोनरी आर्टरी। जो यहां से ब्लड होता है ये किधर एंटर करता है? पल्मोनरी आर्टरी में। वेयर एज द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड इनटू द एओर्टा, और लेफ्ट वेंट्रिकल किस में ब्लड पंप करता है? एओर्टा में। वी ऑलरेडी नो दिस। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी इज पास्ड ऑन टू द लंग्स। वी गेट बैक। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर जा रहा है, ये कहां जा रहा है? लंग्स में। लंग्स में जाके CO2 बाहर और ऑक्सीजन इन, एंड दिस ऑक्सीजन विल देन रिटर्न वाया पल्मोनरी वे, करेक्ट। ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय पल्मोनरी वेन इनटू द लेफ्ट आर्टरी। सो दिस पाथवे कॉन्स्टिट्यूट्स द पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब हार्ट से निकला था, लंग्स में गया, लंग्स में ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक दिया, ऑक्सीजन अंदर ले लिया, और अब लंग्स से ही किधर आया? वापिस हार्ट में। तो हार्ट टू लंग्स एंड देन बैक टू हार्ट, कैरीड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरीड वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो सच टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। The deoxygenated blood pumped into the pulmonary artery is passed onto the lungs. जो deoxygenated blood pulmonary artery में है वो lungs तक जाता है। अच्छा, ये तो हम cover कर चुके हैं pulmonary circulation. So वही diagrammatically show किया है, lungs, pulmonary artery, right side से गया deoxygenated blood और फिर oxygenated blood आया left side में। तो ये वाला part is pulmonary circulation. Now, the oxygenated blood which is entering the left atrium passes to the left ventricle, then goes to the aorta. Aorta से वो arteries, arterioles, capillaries के होते हुए tissues तक पहुंचता है, जहां पे deoxygenated blood वो cells से collect करता है और फिर बिना हवा के through वो हमारे right side पे लेकर आता है। तो यहां पे जो circulation हो रही है वो heart से निकला, body के cells तक गया, body cells, एंड देन इट केम बैक अगेन टू हार्ट। तो ये वाली जो सर्कुलेशन है जो बॉडी और हार्ट के बीच में, इसे बोला जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसे सिस्टमिक सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन जो हार्ट से इन्वॉल्व हो रही है, दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो द सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस टू टिश्यूज, टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड एलिमिनेट्स इट आउट, ठीक है। नाउ दिस इज अ टॉपिक व्हिच इज अपार्ट फ्रॉम डबल सर्कुलेशन, लेकिन इसी में गिवन है। व्हाट?
that a unique vascular connection exists between digestive tract and the liver and is known as hepatic portal system. अब यार बहुत बच्चों को ये सिस्टम समझ में नहीं आता. डबल सर्कुलेशन तो मैक्सिमम बच्चे समझ जाते हैं, ठीक है, हार्ट इतना टाइम पढ़ने के बाद इट कम्स टू योर नॉलेज. लेकिन हिपैटिक पोर्टल सिस्टम को मैं एक इजी स्टोरी में आपको एक्सप्लेन करती हूँ. देखिए, ब्लड मेजर ट्रांसपोर्ट ऑर्गन है, मेजर ट्रांसपोर्ट टिश्यू है हमारा, है ना, सारी ब्लड बॉडी से कनेक्टेड है. पूरी बॉडी ब्लड पे डिपेंडेंट है ऑक्सीजन के लिए, कि वो हमारे पास ऑक्सीजन लेके आएगा. अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन, फॉर्मेशन, ये सब कुछ होता है. क्योंकि व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू द सिंपलर वंस. हर स्टेप पे डाइजेशन होती है स्टमक में, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है. अब होता क्या है, पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को सम अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई होता है एंड उसी में दे एक्सचेंज थिंग्स. कोई न्यूट्रिएंट इधर से लिया उसमें डाल दिया, लिवर से भी बाइल वगैरह आता है, बहुत सारी चीजें चलती हैं. तो अब उस ब्लड को वापस भी ड्रेन करना है उन्होंने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, क्योंकि ब्लड को वो रख तो नहीं सकते हैं. करेक्ट, पहले ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने उनको ब्लड दिया कि ये लो, ये तुम्हारे हिस्से का ब्लड है, तुम इसे यूज करो. उन्होंने मस्त उसको यूज किया, लेकिन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बहुत लंबी थी, माउथ से शुरू होकर एनस तक जा रही थी. ब्लड सब जगह घूमा फिरा, कहीं कुछ लिया, कहीं कुछ दिया, ये सब एक्सचेंज चलता रहा. लेकिन अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को ब्लड वापस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रिटर्न करना है. तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रिटर्न करने से पहले डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहता है कि यार अपना ही एक मॉनिटर बनाओ जो ब्लड को एक बार ही देख ले, कि ऐसा ना हो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने जो हमें ब्लड दिया था उसमें से कोई अनयूज्ड चीज वापस उनके पास चली जाए, कि सब कुछ यूज कर लो और जितना गंद तुमने और मचाया है इसमें वो भी थोड़ा सा डिटॉक्सिफाई कर दो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम थोड़ा आसान कर दो. ठीक है जी, तो वहां पे इनटू एक्शन आता है लिवर. लिवर कहता है कि ये ले लो मुझसे, ठीक है, और मेरा काम आसान कर दो. तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ब्लड घूमता है, फिरता है, और किसको दे देता है ब्लड? लिवर को, कि ये ले लिवर, हमने सारा काम कर लिया, अब तू इसको थोड़ा सा खेल ले, इसको डिटॉक्सिफाई कर ले, इससे चीजें इधर उधर कर ले और वापस ले जाके ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे फेंक दो. ठीक है जी. सो हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लिवर. पूरा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम ब्लड इंटेस्टाइन से कहां लेके जाता है? लिवर में, बिफोर इट इज डिलीवर टू दी सिस्टेमिक सर्कुलेशन, बिफोर हम उसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जानते हैं. स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी. वहीं पे काफी सारी वेसल्स का सिस्टम प्रेजेंट है जो एक्सक्लूसिवली इसी का काम करता है. मतलब ये जो कोरोनरी ब्लड वेसल्स हैं, ये लिवर से ब्लड लेती हैं और हमारे हार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देकर आती है, ठीक है. और जो लिवर को ब्लड आता है वो कहां से आता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से. So, ये कंसिस्ट करता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और ये जब यहाँ पे पहुंच जाता है, दिस इज आवर नॉर्मल ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एक अलग सा सिस्टम है जो इस तरीके से काम करता है, ठीक है. सो दैट इज ऑल अबाउट आर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एंड डबल सर्कुलेशन. ज्यादा डिटेल एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं करी हुई, आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एक्चुअली है क्या, जो चीजों का मिडवे एक्ट कर रहा है, ठीक है ना. ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ब्लड वापस लौटाने से पहले ये कहता है कि लाओ मुझे दे दो, एक बार में ब्लड को थोड़ा साफ सूफ करके फिर देंगे हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, बस ये काम है इसका, ठीक है जी. थैंक यू सो मच. एनी डाउट्स प्लीज रीच आउट टू मी. थैंक यू.